हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग कह रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उस प्लांट के यहाँ ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कर चुके हैं कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है और रूट क्या है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जो आप एक्सटर्नल करेक्टर्स देख के आइडेंटिफाई कर पाओ। फिर हमने लास्ट वीडियो में करा था, तीन तरह के रूट्स होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। जो फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट होती है वो एक ही टाइप का होता है। जो फाइब्रस रूट है एडवेंटिशियस रूट की ही एक अलग फॉर्म है। और जो आपका रूट प्रॉपर रेडिकल से बनता है एम्ब्रियो का, जो एम्ब्रियोनियल एक्सिस पे रेडिकल होता है प्लूम्यूल, जिस तरीके से मान लो अगर ये डाइकोटिलीडन है, यहाँ पे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो यहाँ पे प्लूम्यूल होता है और यहाँ पे रेडिकल होता है। तो जो रेडिकल से ग्रो करता है उसको हम क्या बोल रहे थे, टैप रूट। क्या बोलते थे, टैप रूट। तो टैप रूट आर जनरली ट्रू रूट्स। एडवेंटिशियस रूट जो है रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से अगर ये रूट्स ग्रो कर रही है वो कौन सी रूट है, एडवेंटिशियस रूट। हमने उसमें ये भी पढ़ा था रूट का मेन काम क्या है, पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। तो आज हम देखेंगे बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं है। अगर उसके लिए फेवरेबल नहीं है तो उसको अपने आप को मॉडिफाई करना होता है वहाँ पे रहने के लिए। तो उन मॉडिफिकेशन में रूट के अंदर ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से प्लांट अपना काम करता है। तो आज की हमारी जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, आज की वीडियो में या आज के लेक्चर में जो चीज़ हम कवर करेंगे, दैट आर मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। किसका मॉडिफिकेशन कवर करेंगे, हम टैप रूट का मॉडिफिकेशन कवर करेंगे। सबसे पहले मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, रूट्स इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। कि वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने के अलावा अगर इसे कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है, वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली जो हम ये मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे इनके फंक्शंस के हिसाब से पढ़ेंगे, फंक्शन की कैटेगरीज के हिसाब से पढ़ेंगे कि किन किन तरीके के फंक्शन के बेसिस पे रूट की मॉडिफिकेशन होती है। यहाँ पे ये है टैप रूट की मॉडिफिकेशन। पहला फंक्शन है फूड स्टोरेज। क्या फंक्शन है, फूड स्टोरेज। अब यहाँ पे जो टैप रूट की मॉडिफिकेशन है चार तरह का की है, फूड स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्टिव रूट्स। तो अब चार तरह के फंक्शन के बेसिस पे टैप रूट अपने आप को मॉडिफाई करती है, फूड स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव। अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद कर सकते हो, नहीं सुनते, रे नहीं सुनते रिपीट कर, आप इसको ऐसे कर सकते हो, रे नी सुनते रिपीट कर। रे मतलब रेस्पिरेटरी, क्या हो गई, रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन का फंक्शन। नी मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या फंक्शन हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सुनना मतलब अब यहाँ पे स्टोरेज आ गया, फूड स्टोरेज, क्या हो गया, फूड स्टोरेज। रिपीट, रिपीट मतलब रिप्रोडक्टिव, क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव। तो इस शॉर्ट फॉर्म से आप टैप रूट की चारों मॉडिफिकेशंस याद रख सकते हैं, रे नी सुनते रिपीट, रे नी सुनते रिपीट। रे मतलब रेस्पिरेटरी एंड नी मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम देखते हैं ये चारों फंक्शंस है क्या। फूड स्टोरेज, कई बार क्या होता है, प्लांट के पास जो है बाकी के टिश्यूज एडवर्स कंडीशंस आ जाती है कि स्टेम है, जो लीव्स है वो ग्रो नहीं करते, तो लेकिन जितना जो खाना प्लांट में बना होता है
वो खाना वो रूट में स्टोर करना शुरू कर देता है। किस में करना शुरू कर देता है? रूट में। कि अगर स्टेम की ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो खाना रूट में आ जाता है। अब फूड स्टोरेज के भी ये जो चार अलग अलग टाइप दे रखे हैं हमने, फ्यूजी फॉर्म, कॉनिकल, नैपी फॉर्म, ट्यूबरस, ये इनकी शेप के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे है? शेप के बेसिस में। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप इनको फूड स्टोरेज के फंक्शंस याद कर सकते हैं। आजकल बैंक में क्या होता है? नेफ्ट होता है। नेफ्ट की जगह आप NCFT कर लो, N फॉर नैपी फॉर्म। क्या हो गया? नैपी फॉर्म। C फॉर कॉनिकल, F फॉर फ्यूजी फॉर्म, T फॉर ट्यूबरस। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सुनते नेफ्ट, नेफ्ट सुनते NCFT, जिसकी वजह से आपको ये इजीली याद हो जाएगा। क्लियर? तो जो हमारा पहला फंक्शन है दैट इज फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज में क्या होगा कि प्लांट के पास जितना भी एक्सेस खाना है वो धीरे 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 रूट में जो है एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। पहली पार्ट है कॉनिकल पार्ट। क्या पार्ट है? कॉनिकल। अब यहां से अगर आप एक रेडिश को देखो, ये एक तरीके से कौन सी शेप आ रही है? कोन वाली शेप आ रही है, जो हम लोग आइसक्रीम का कोन खाते हैं इसी तरीके से होता, आइसक्रीम का कोन ऐसा ही होता, तो ये ऑलमोस्ट कोन वाला शेप है। तो अगर कॉनिकल शेप, जो हमारा आइसक्रीम का कोन है, उस तरीके की शेप हो रूट की, तो उसको बोलते हैं कॉनिकल। क्या बोलते हैं? कॉनिकल। द स्वॉलन रूट इज ब्रॉड एट द बेस एंड टेपर्स ग्रेजुअली। यहाँ पे ये इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बेसल पार्ट है, और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा टेपर होता जाएगा। क्या होता जाएगा? टेपर। टेपर का मतलब होता है पतला होता जाएगा। तो जो रूट जो है जहाँ से स्टेम से जुड़ी है वहाँ से मोटी है, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रही है, आगे जाते जाते क्या होती जा रही है? टेपर होती जा रही है, पतली होती जा रही है। ऐसी रूट को हम क्या बोलेंगे? कॉनिकल रूट। टेपर्स ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एपेक्स गिविंग अ शेप ऑफ कोन, कि आगे तक जाते जाते वो एक कोन की शेप देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनिकल रूट। क्या बोलते हैं? कॉनिकल रूट। इसका एग्जाम्पल है कैरेट, गाजर। गाजर हम खाते हैं इसी तरीके से, कोन जैसी शेप है, तो दैट इज अ कॉनिकल फूड स्टोरेज। तो कॉनिकल रेडिश क्या है आपका? रूट की मॉडिफिकेशन है। किसकी मॉडिफिकेशन है? रूट की मॉडिफिकेशन है फॉर फूड स्टोरेज। नेक्स्ट इज फ्यूजी फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? फ्यूजी फॉर्म। अब यहाँ पे फ्यूजी फॉर्म और कॉनिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ पे बेस और एपेक्स दोनों में ही वो फुला हुआ होगा। दोनों में ही क्या होगा? फुला हुआ, इस तरीके से मिलेगा तुम्हें। द रूट इज स्वॉलन इन द मिडल एंड नैरो टुवर्ड्स बोथ इट्स बेस एंड एपेक्स गिविंग अ शेप ऑफ स्पिंडल, कि यहाँ से फुला हुआ है, इधर से भी टेपर हो जा रहा है, इधर से भी टेपर हो रहा है। वहाँ पे बेस से था, ग्रेजुअल टेपर हो रहा था, यहाँ पे सेंटर से फुला हुआ है, चाहे ऊपर जा रहा है तो भी टेपर हो रहा है, नीचे जा रहा है तो भी टेपर हो रहा है। मतलब दो कोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं सेंटर में, वो क्या बनाएगी? फ्यूजी फॉर्म्स। क्या बना देगी? फ्यूजी फॉर्म। इसका एग्जाम्पल है हमारी रेडिश, मूली। मूली जनरली सेंटर से फुली होती है, लास्ट से भी क्या है आपकी? टेपर फॉर्म में, और ऊपर से भी किस फॉर्म में है? टेपर फॉर्म में है। तो दिस इज फ्यूजी फॉर्म। कॉनिकल कहाँ से थी? सिर्फ बेस से मोटी थी, जैसे जैसे आगे जा रही है पतली होती जा रही है। लेकिन जो आपका फ्यूजी फॉर्म है वो सेंटर से जो है स्वोलन है, बेस से भी जो है टेपर है, और एंड पे भी क्या है? टेपर है। नेक्स्ट इज नैपी फॉर्म। अब जैसे आप देख रहे हो शलगम है, चुकंदर है, सर्कुलर एक ओवल शेप ले लेता है, लेकिन नीचे आते आते क्या होता जा रहा है? टेपर हो रहा है। क्या हो रहा है? टेपर हो रहा है। द रूट इज नियरली ग्लोबुलर और स्फेरिकल इन शेप, के राउंड फॉर्म में है। द बेसल पोर्शन ऑफ द रूट इज मच स्वोलन विथ सडनली टेपर्स टुवर्ड्स द एपेक्स गिविंग अ टॉप शेप्ड अपीयरेंस, कि जैसे जैसे नीचे जाएगा, नीचे जाते जाते बिल्कुल टेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेपर।
अब यहाँ से ये एकदम से स्वेल हो गया, स्वेल होते ये क्या हो गया, टेपर हो गया। क्या हो गया? टेपर। तो इस तरीके की रूट को हम क्या बोलते हैं? नैपी फॉर्म। क्या बोलते हैं? नैपी फॉर्म। फ्यूजीफॉर्म में क्या था? स्पिंडल शेप, सेंटर से स्वेल थी। और आपका कॉनिकल में क्या था? बेस से थी। लेकिन यहाँ पे भी बेस से स्वेल है, आगे जाके टेपर हो रही है। कोन, अगर हम नैपी फॉर्म और कोन की बात करें, कोन के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा था? टेपर हो रहा था। लेकिन इसके अंदर राउंडेड फॉर्म में क्या हो रहा है? टेपर हो रहा है। वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में हो रहा था, यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में टेपर हो रहा है। एग्जाम्पल है आपके शलगम, चुकंदर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नैपी फॉर्म रूट्स। नेक्स्ट इज ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस का मतलब है कि इसके पास कोई भी शेप नहीं है, कैसी भी हो सकती है, किसी भी शेप में जा सकती है। ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबरस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबरस रूट। अब इस चीज़ को, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, हमें इनको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ट्यूबरस रूट जो है दोनों की होती हैं। एडवेंटिशियस रूट का भी मॉडिफाइड फॉर्म ट्यूबरस है, और आपका टैप रूट का मॉडिफाइड फॉर्म भी ट्यूबरस है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपकी जो एडवेंटिशियस रूट है वो रेडिकल से ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन जो टैप रूट है वो रेडिकल से ग्रो कर रही है। अब यहाँ पे हम देखें, कोई भी रेगुलर शेप नहीं है, किसी भी रेगुलर फॉर्म में शेप है, जैसे ये ट्राइकोजेंथस है, किसी भी रेगुलर शेप में है, तो दीज आर द ट्यूबरस रूट। इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली क्वेश्चन आता है प्लांट के एग्जाम्पल बेसिस पे ही आता है। द स्टोरेज रूट हैविंग नो डेफिनेट शेप इज कॉल्ड ट्यूबरस। जिसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, दैट इज अ ट्यूबरस। एग्जाम्पल क्या है? फोर ओ क्लॉक प्लांट। ये जो हमारा प्लांट है, ये फोर ओ क्लॉक प्लांट है, इसमें कुछ भी पार्ट नहीं दे रखे हैं, तो दिस इज जो ट्यूबरस रूट। नीचे जो रूट दे रखी है, बहुत जॉइंट रूट दे रखी है, ये ट्राइकोजेंथिस की रूट है, और ये जनरली चाइना में मिलता है। कहाँ मिलता है? चाइना के अंदर मिलता है। तो हमने फूड स्टोरेज में चार रूट्स करी, NCFT, नैपी फॉर्म। कैसी थी नैपी फॉर्म? राउंड थी, नीचे आ रही थी। एग्जाम्पल क्या थे इसके? शलगम, टर्निप एंड चुकंदर, बीट रूट, ये एग्जाम्पल थे हमारे। फिर हमने करी कॉनिकल। कॉनिकल कैसी थी? लेंथ वाइज नीचे आता था, क्या हो रही थी? टेपर हो रही थी। एग्जाम्पल क्या था इसका? रेडिश। रेडिश था, कैरेट था, इसका एग्जाम्पल क्या था? कैरेट। फिर क्या था? फ्यूजी फॉर्म। कौन सी शेप थी? स्पिंडल शेप थी, ऊपर से भी टेपर होगी और नीचे से भी टेपर होगी। इसका एग्जाम्पल क्या था? रेडिश, मूली। फिर आपका क्या है? ट्यूबरस कोई भी शेप नहीं है, एग्जाम्पल फोर ओ क्लॉक प्लांट और ट्राइकोजेंथस। क्या है? फोर ओ क्लॉक और ट्राइकोजेंथस। क्लियर? तो ये सारी क्या करती है? खाना स्टोर करती है। जब भी प्लांट में एडवर्स कंडीशन आती है, जो इसका स्टेम बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता, तो जितना भी इनका खाना बनता है फोटोसिंथेसिस से, वो एक्स्ट्रा खाना इनमें एज अ फ्रूट स्टोर हो जाता है, जिनको हम अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या था? पहला फंक्शन हमारा, जिनके बेसिस पर रूट मॉडिफाइड हुई थी, दैट इज़ फूड स्टोरेज, दैट इज़ फूड स्टोरेज। तो हमने इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हमें पता है कि जो आपके प्लांट है सोइल से NO3 और NO2, मतलब नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में ही नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। क्या रहते हैं? बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, मतलब वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उनके लिए, प्लांट के लिए उस नाइट्रोजन को NO3 और NO2 में चेंज करके देते हैं। क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस लेते हैं, उसको NO3 और NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव में चेंज करके दे देते हैं। बदले में क्या करते हैं? बदले में प्लांट से अपने लिए खाना लेते हैं।
जो इस तरह की है एसोसिएशन जहाँ पे दोनों एक दूसरे का काम करते हैं, इसको सिम्बॉयट या म्यूचुअलिज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिम्बॉयट या म्यूचुअलिज्म. तो दूसरा फंक्शन है नाइट्रोजन, जो उसका सॉयल से या एटमॉस्फेयर से कवर नहीं हो रहा है, तो नाइट्रोजन लेने के लिए जो रूट अपने आप को मॉडिफाई करती है, दैट रूट आर नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट्स. क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट. और ये जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब पी, दालें, मटर है, दालें हैं, तो इन सब प्लांट्स की जितनी भी रूट्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट होती है. और इसका एक और नाम भी है नोड्यूलर रूट. क्या बोलते हैं इसको? नोड्यूलर रूट. अब इस रूट को नोड्यूलर रूट क्यों बोलते हैं? जैसे इस रूट के अंदर यहाँ पे एक स्वोलन स्ट्रक्चर आ गया. क्या आ गया? स्वोलन स्ट्रक्चर. ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है ये नोड है. जहाँ पे भी एक स्वोलन स्ट्रक्चर बोलते हैं उनको हम नोड बोलते हैं बीच में. तो यहाँ पे नोड लाइक फॉर्मेशन है, इसीलिए इस रूट का नाम क्या है? नोड्यूलर रूट भी है. दिस टाइप ऑफ रूट इज ऑल्सो कॉल्ड नोड्यूलर रूट. द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेज ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट बियर नोड्यूल लाइक स्वेलिंग. जैसे इसके प्राइमरी ब्रांच है तो ये प्राइमरी ब्रांच के पास ही नोड्यूल लाइक स्वेलिंग है, जिनको क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल्स. क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल्स. और इन रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरियाज रहते हैं. क्या रहते हैं? बैक्टीरियाज. एग्जाम्पल है पी, मटर, ग्राम, ग्राउंडनट, आपकी मूंगफली, बीन्स. तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके लेग्यूमिनस प्लांट है. अब इनके क्या करेक्टरिस्टिक हैं कि हमें पता चलेगा नोड्यूलर प्लांट है या नहीं है? जितने भी नोड्यूलर प्लांट हैं वो रेड इन कलर होते हैं. क्या? उनकी रूट्स जो होती हैं वो रेड इन कलर होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स. कौन से कलर की होती है? रेड. किसकी वजह से? लेग हीमोग्लोबिन. जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड में, ऐसे ही लेग हीमोग्लोबिन इनके रूट्स में प्रेजेंट होता है. और इन नोड्यूल्स में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. राइजोबियम लेग्यूमिनोजोरम एक बैक्टीरिया का नाम है. क्या नाम है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम. राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरियम. एक कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स फॉर द यूज ऑफ प्लांट. यही बात हमने करी थी कि आपके प्लांट सॉइल से NO2 और NO3 की फॉर्म में ले सकते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं. जैसे ही आपका बैक्टीरिया ने उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करके दी, बदले में राइजोबियम ने क्या किया? बदले में राइजोबियम के लिए प्लांट ने क्या किया? उसको न्यूट्रिएंट और शेल्टर, मतलब जो खाना प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से बनाया था वो खाना उसने राइजोबियम को दे दिया. और ऐसी जो एसोसिएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिम्बायोन्ट्स. इन टर्न राइजोबियम गेट न्यूट्रिएंट्स इन शेल्टर फ्रॉम द प्लांट. दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट इज नॉन एज सिम्बायोसिस. और जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है उनको क्या बोलते हैं? सिम्बायोन्ट्स. द एसोसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअलिज्म विच इज ऑब्लिगेटरी. इसको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं. म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस में क्या डिफरेंस है? सिम्बायोसिस में ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बिना जी भी सकते हैं, एक दूसरे के बिना परफॉर्म अपने फंक्शंस कर सकते हैं. ऑब्लिगेटरी मतलब कि अगर ये दोनों साथ नहीं रहे तो दोनों की लाइफ का सर्वाइवल नहीं होगा. दोनों ही वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पे सिम्बायोट के साथ साथ म्यूचुअलिज्म भी है कि दोनों ही सर्वाइव कर रहे हैं. अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगी. अगर प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगी तो प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस के अंदर अपने कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट नहीं बना पाएगा. और अगर बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है लेकिन प्लांट उसको शेल्टर और न्यूट्रिएंट नहीं देता तो बैक्टीरिया मर जाएगा. बैक्टीरिया मर जाएगा तो नेक्स्ट टाइम उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगी. तो दिस टाइप ऑफ रूट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट. अभी तक हमने कितने टाइप की मॉडिफिकेशन करी? यस, टू टाइप. कौन कौन सा? फूड स्टोरेज एंड नाइट्रोजनस फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन का दूसरा नाम क्या है? नोड्यूलर रूट्स. अब हमारा थर्ड फंक्शन क्या था? रे नी सुनते रिपीट. हमने उसमें क्या कर लिया? नी सुनते कर लिया, रे और रिपीट रहता है. रिपीट मतलब रेस्पिरेटरी.
रेस्पिरेटरी मतलब जो स्टोमेटा या रूट के अंदर आपकी ओपनिंग्स हैं वो चाहिए हमें। अब रेस्पिरेशन का काम कब होगा, अगर सॉइल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, तो रूट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी क्योंकि स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे, जो उनके अंदर ओपनिंग है वो नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, रेस्पिरेटरी रूट्स चाहिए होती हैं, मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन। इसीलिए यहाँ पे नाम से क्लियर है, रेस्पिरेटरी रूट्स जो रेस्पिरेशन ये करेंगी। लेकिन क्यों, जो स्वैम्पी एरिया में ग्रो कर रहे हैं, स्वैम्पी मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज में ग्रो कर रहे हैं। अब सॉल्टी एरियाज में ग्रो करके वो कहाँ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ये मैनग्रोव प्लांट है जो जनरली आपका जो सॉल्टी एरियाज है उनमें, अब यहाँ पे ये नॉर्मल रूट बनी, जैसे ही नॉर्मल रूट बनी नीचे ये पानी के अंदर जो है रेस्पिरेशन नहीं कर पाई, रेस्पिरेशन नहीं कर पाई तो एयर को नहीं कनेक्ट कर पाई, वाटर को नहीं कनेक्ट कर पाई, तो जिसकी वजह से ये अपवर्ड आई, और अपवर्ड आते आते इसके अंदर पोर्स हैं। क्या हैं, पोर्स हैं। इन पोर्स को बोलते हैं न्यूमैटोफोर। क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर। और ये न्यूमैटोफोर स्टोमेटा जैसे होते हैं जो आपके रूट के लिए गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। सच एरियल पोरस नेगेटिवली, क्योंकि अब यहाँ पे रूट कैसे आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, कैसे जा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, जो ब्रीदिंग पोर्स बन रहे थे यहाँ पे वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज कॉल्ड ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी रूट्स, न्यूमैटोफोर रूट्स और न्यूमैटोफोर्स। तो उन ब्रीदिंग के जो पोर्स है उनको न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं, इसलिए इस रूट का नाम न्यूमैटोफोर रूट्स। जो आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है वो राइजोफोरा का एग्जाम्पल दे रखा है। जितने भी मैनग्रोव प्लांट है, सेनोरिटा, विजेनिया, सीरियोप्स, ये सारे के सारे मॉडिफाइड है जो आपके सॉयल या स्वैम्पी एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं। और यहाँ पे जो न्यूमैटोफोर्स हैं ये राइजोफोरा के, किसके हैं, राइजोफोरा, री राइजोफोरा, आर फॉर रेस्पिरेशन, आर फॉर राइजोफोरा, हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। लास्ट जो रूट है रिप्रोडक्टिव रूट, कौन सी रूट है, रिप्रोडक्टिव रूट। जो हमारी रिप्रोडक्टिव रूट है वो प्लांट की वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करेगी, किसमें हेल्प करेगी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब बिना प्लांट के सीड के भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इनके पास रेडिकल बड्स होते हैं, क्या होते हैं, रेडिकल बड्स। बड्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा टिश्यू जो इजीली ग्रो कर सकता है, क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। लेकिन इनको रेडिकल बड क्यों बोला गया, क्योंकि ये किस पे है, टैप रूट पे बड है, बड किस पे है, टैप रूट। और टैप रूट किससे ग्रो करती है, रेडिकल से ग्रो करती है, तो टैप रूट पे जो बड होंगे उनको क्या बोलेंगे, रेडिकल बड्स। क्या बोलेंगे, रेडिकल बड्स। क्या होता है इस तरीके से, ये जो इसका एग्जांपल है दलबेरिगो सीसो, जो इंडियन रोजवुड है या शीशम है, क्या है हमारी, शीशम। तो उनमें जो प्लांट में आपकी जो रूट्स हैं, दीज आर रिप्रोडक्टिव रूट्स। जैसे ये प्लांट का रूट है, यहाँ पे एक रेडिकल बड आएगा, जैसे जैसे ये रेडिकल बड ग्रो करेगा, ग्रो करते करते ये एक पर्टिकुलरली जो है साइज ले लेगा, जिसकी वजह से जैसे ये मूव करेगा एक नया प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा। यहाँ से बन गया, तो यहाँ से एक नया रोजवुड ग्रो हो जाएगा। तो ऐसी रूट्स जो ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्टिव रूट्स। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव रूट्स। क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्टिव रूट्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट की मॉडिफिकेशन क्या होती है, अपने लिए फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमने देखा था रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज है तो रूट रेस्पायर नहीं कर सकती हैं, तो रेस्पिरेशन के लिए, वाइटल फंक्शन के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनको न्यूमैटोफोर्स बनाने पड़े। जब उसको कंडक्शन के अलावा कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं तो ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रूट। कौन कौन से रूट में हमने जो है टैप रूट के किए थे, फिर आज की जो हमने मॉडिफिकेशन है किसकी करी थी, टैप रूट। कौन कौन से थे, रेनी
सुनते रिपीट। रे से क्या था? रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स का एग्जांपल क्या था? राइजोफोरा। क्या एग्जांपल था? राइजोफोरा। रेस्पिरेशन के लिए हिली एरिया जो आपके बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। नी क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और दूसरा नाम क्या है इसका? नोड्यूलर रूट। किस में होती थी? लेग्यूमिनस प्लांट। किस में? लेग्यूमिनस प्लांट। पी, ग्राम, बीन, बहुत सारे इस तरीके से नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सुनते मतलब फूड स्टोरेज। किसके लिए था? फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज कितने तरह की थी? चार तरह की थी। NCFT ये क्या थी? नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म में क्या था? सर्कुलर फॉर्म में आपका टेपरिंग हो रही थी। किसमें प्रेजेंट थी? टर्निप और बीट रूट। किसमें थी? टर्निप एंड बीट रूट। सी फॉर क्या था? कॉनिकल। कॉनिकल में क्या था? बेस से तो स्वोलन होगा लेकिन जैसे जैसे एंड पे जाएगा टेपर हो जाएगा। किसमें था? आपका कैरेट। किसमें था? कैरेट, गाजर में। फ्यूजी फॉर्म। फ्यूजी फॉर्म क्या था? ऊपर से भी टेपर होगी, नीचे से भी टेपर होगी, बेस बीच में से क्या होगी? स्वोलन होगी। एग्जाम्पल क्या था? रेडिश मूली। लास्ट क्या था? ट्यूबर। कोई भी इरेगुलर शेप होगी। एग्जाम्पल क्या है इसके? मिराबिलिस जलापा। कॉमन नेम क्या था इसका? 4 o'clock प्लांट। और ट्राइकोजेंथस जो आपको चाइना में मिलता है। रिपीट पे क्या था? रिप्रोडक्टिव रूट्स। क्या था? रिप्रोडक्टिव रूट्स। क्या करती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हैं। किसमें थी? दलबरीगा सीसो। दलबरीगा सीसो किसका नाम है? शीशम, इंडियन शीशम या इंडियन रोज वुड। क्या बनाती है ये? रेडिकल बड बनाती है। क्या बनाती है? रेडिकल बड, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है। और ऐसी वीडियोस के अपडेट पाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।